आरंभ करता हूं राम स्तुति से। तो चलिए राम नाम के कुछ दो शब्द मैं यहां पे कहना चाहूंगा। जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, बद पद्मासन से विराजमान हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, जिनके प्रसन्न नयन नूतन कमल दल से स्पर्धा करते तथा वाम भाग में विराजमान श्री सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं, उन आजानू बा मेघ श्याम नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित तथा विशाल जटा जूट धारी श्री रामचंद्र का हम सभी मिलकर ध्यान करते हैं। राजाओं में जो श्रेष्ठ है वह सदा विजयी को प्राप्त होता है। मैं जानकी पति भगवान राम का ध्यान करता हूं, जिन रामचंद्र जी ने संपूर्ण राक्षस सेना का ध्वंस कर दिया था, मैं उन्हें बारंबार प्रणाम करता हूं। राम से बढ़कर और कोई आश्रय नहीं है, मेरा चित्त सदा राम में ही लीन रहे। हे राम, आप मेरा और यहां विराजमान प्रत्येक मनुष्य का उद्धार कीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, लक्ष्मण के भ्राता की जय, हनुमान के प्रभु सियावर रामचंद्र की जय। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम, करो कल्याण सीता राम, सियावर राम जय राम। तो चलिए अब हम आप सभी को संक्षेप में राम कथा सुनाएंगे। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काम लोक विश्रामा। पवित्र चैत का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना महत सर्दी थी और ना गर्मी थी, वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। उस समय प्रकट भई प्रभु श्री राम। आगे की कथा आपको। भये प्रकट कृपाल दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु धन श्यामा, निज आयुध भुजचारी भूषण, वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दिशों पर दया करने वाले कौशल्या जी के कृपालु प्रभु प्रकट हुई है। चलिए तो हम अपनी रामलीला को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, भगवान राम ने अपने अवतरण में क्योंकि मनुष्य रूप धारण किया हुआ था, इसलिए उन्होंने अपने बचपन में बहुत सी बाल क्रीड़ाएं करके अपने माता पिता का बहुत ही अभिनंदन किया। तो चलिए इसके बाद हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं, जो इस प्रकार है कि माता केकई के ऊपर ना जाने बहुत काल पूर्व शनि स्थित होकर उनके मस्तक पर विराजमान हो गया था, जिसके कारण वह केकई के वह मंत्र के भड़काने पर बहुत अत्यंत दूर दखी पहुंचाती है महाराज दशरथ को और अपना दर मांगती है कि भगवान श्री राम को वनवास हो जाए। प्रभु श्री राम वनवास को जाते हैं। पहले कुछ दिन कुशल पूर्वक बीत जाने पर जब उनकी मुलाकात सीत मखा से होती है, तो रामलीला का मेन वर्णन यहां से शुरू होता है। तो चलिए अब हम सीत मखा के सीन से शुरू करते हैं अपनी रामलीला का पहला सीन। सीत मखा रावण की बहिना, दुष्ट हृदय दारुण सहिना, पंचवटी सो गल्यक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। सूत मखा नामक रावण की एक बहन थी, जो नादिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। एक बार वह पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल हो गई। वह सुंदर रूप धर के प्रभु के पास जाकर बोली, ना तेरे समान इस समस्त ब्रह्मांड में कोई पुरुष है और ना मेरे समान अति सुंदरी स्त्री। देखो तो विधाता ने क्या संयोग की जोड़ी बनाई है। प्रिय दर्शकों, आइए इस झांकी का आनंद उठाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार सूत मखा राजकुमारों को पुनः पुनः रिझाने का प्रयत्न करती है। आजकल दिन कितना शांत है, पंचवटी का वातावरण तो देखो मानो कितना सुंदर हो। सत्य कहा स्वामी, आज का वातावरण कितना सुंदर है। सही कहा,
वहां से कोई आता हुआ प्रतीत होता है। सावधान लक्ष्मण, ये कोई मायावी राक्षस हो सकता है। कैसी आज्ञा भैया? अति सुंदर, क्या रंग है, क्या रूप है, चेहरे का तेज तो देखो। ये तो सन्यासी पुरुष कौन है? इन्हें तो किसी देश का राजा होना चाहिए। ये यहाँ वन में क्यों भटक रहे हैं? हे सुंदर मनुष्य, तुम कौन हो और यहाँ वन में क्यों भटक रहे हो? देवी, मैं लक्ष्मण हूँ। मैं श्री राम का सेवक हूँ और यहाँ उनकी सेवा में तत्पर हूँ। ओ, तो वो दूसरा सुंदर मनुष्य राम है? हाँ, वो मेरे भैया राम हैं। तुम उन्हीं के पास अपनी विनती लेकर जाओ। राजमहल में है। क्षमा कीजिए देवी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं लंकापति रावण की छोटी बहन शूर्पनखा हूँ। मुझे तुम्हारा रूप आ गया है, तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। देवी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा विवाह सीता के साथ हो चुका है। क्या इस साधारण सी स्त्री के लिए तुम मुझे अस्वीकार कर रहे हो? इसे यहाँ छोड़ो और मेरे साथ राजमहल चलो और संसार के सुखों का आनंद लो। देवी, मुझे लगता है इसमें मेरा अनुज लक्ष्मण आपकी सहायता कर सकता है। राम से तो बात बनी नहीं, अब लक्ष्मण को अपना बनाकर रहूंगी। मुझे तुम खा गए हो, तुम मुझसे विवाह कर लो। क्षमा कीजिए देवी, मैं आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। क्या कहा? दोनों भाइयों ने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं इस राम की स्त्री को खा जाऊंगी, फिर तुम दोनों भाई मेरे हो जाओगे, मेरे। ठहरो देवी, ठहरो। तुम मेरे साथ आओ, आओ। वो देखो वहां पर। वो देखो वहां पर एक सोने की चिड़िया, वहां देखो। अपनी इसी अत्यंत दूरदीन दशा को लेकर शूर्पणखा रावण के दरबार जाई और वहां पर बोली कि हे दशग्रीव, क्या तेरे हो तुम्हें मेरी ये दशा होनी चाहिए? तब रावण अत्यंत क्रोधित होकर अपनी बहन को बोलता है कि हे शूर्पणखा, तेरे साथ जो हुआ उसका बदला मैं जरूर लूंगा। उन दोनों राजकुमारों को मैं रण में जीतकर उनकी स्त्री का हरण करके लेके आऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। के बाद रावण मारीच के पास जाते हैं, जो कि मृग रूप धारण करके श्री राम को अत्यंत घोर वन में लेकर दूर चला जाता है। और यही सुनहरा मौका पाकर रावण साधु का वेश धारण कर मां सीता का हरण करने वन में प्रकट हो जाता है। आइए इस झांकी में हम देखेंगे कि रावण किस प्रकार साधु का वेश धारण करके मां सीता का हरण कर लेता है। रंजन बलात् निरंजन, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। प्रणाम मुनिवर। कल्याण वस्तु। आप कौन हैं और कहां से आए हैं? सन्यासी का क्या नाम और क्या रहने का ठिकाना, जहाँ रात्रि हो गई वही विश्राम कर लिया।
कहिए मुनिवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? भिक्षाम नहीं माते, भिक्षाम नहीं। लगता है कोई सुरक्षा रेखा मालूम पड़ती है। लीजिए मुनिवर। लाओ देवी, हमारी भिक्षा यही लाओ, हमने आसन ग्रहण कर लिया है। क्षमा कीजिए मुनिवर, किंतु मैं इस रेखा को पार नहीं कर सकती। क्या कहा? ये रेखा पार नहीं कर सकती? ये एक साधु का घोर अपमान है। लगता है ये साधु तेरे द्वार से आज भूखा ही जाएगा और इसका तेरे को आजीवन दंड भुगतना पड़ेगा। नहीं नहीं ठहरिए मुनिवर, मैं श्री राम के द्वार से किसी साधु को भूखा न जाने दूंगी। मैं रेखा से बाहर आती हूँ। आओ देवी, आओ आओ। मधुकर श्रेणी तुम ही देख सीता मृग मैनी, खंजन सुख को पत मृग मीना, मधुप निकर को किला प्रदीना। प्रभु श्री राम समस्त वन में माँ सीता को खोज रहे हैं, वह पूछ रहे हैं, हे पशुओं, हे भैरों की पक्तियों, तुमने क्या कहीं मृग के समान नैनों वाली मेरी प्रिय सीता को देखा है? वन में माँ सीता को ना पाकर प्रभु प्रभु की भेंट हनुमान जी से हो गई। अतुलित बल के धाम, सेना के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त परम पुत्र हनुमान को हम प्रणाम करते हैं। सारी बात जानकर हनुमंत लंका की ओर बढ़ रहे हैं। लंका से थोड़ी दूर हनुमान जी एक विशाल पर्वत पर बैठकर सोने की लंका को निहार रहे हैं। लंका ऐसी प्रतीत हो जैसे विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोठा है। वह प्राकृतिक सौंदर्य व प्रकाश से परिपूर्ण है। देख मन ही मुख कीन प्रणामा, बैठ ही गीत जान सुति जाना, कृष्ण शीश जटा एक बणी, जपते हृदय रघुपति गुण श्रेणी। माँ सीता को देखकर हनुमान जी ने मन ही मन प्रणाम किया। माँ सीता आठ पहर प्रभु श्री राम नाम का जप करती समय व्यतीत करती है। वह अपने आत्मरूपी दीपक को जलाकर अपने प्राण प्रियतम प्रभु श्री राम का निरंतर जाप करती है और उनसे पुनः पुनः आग्रह करती है कि वह आकर रावण की लंका से उन्हें मुक्त कराए। आइए अब हम इस सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे। स्वामी आप कहाँ हैं? मुझे इस दुष्ट रावण से बचाने कब आएंगे? हे स्वामी, हे प्राणनाथ। जय श्री राम। कौन कौन है वहाँ और मेरी स्वामी का नाम किसने पुकारा? प्रणाम माते। आनर है और मुझे माता क्यों पुकार रहा है? कौन हो तुम? माते मैं हूँ श्री राम का सेवक हनुमान। मुझे प्रभु ने आपको ढूंढने के लिए भेजा है। मुझे विश्वास नहीं होता, तुम जरूर उस दुष्ट रावण के मायावी राक्षस हो। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। माता ये देखिए प्रभु की अंगूठी, मेरा विश्वास कीजिए। ये तो सच में मेरे स्वामी की अंगूठी है। कहाँ है मेरे स्वामी? कैसे है वो? मुझे लेने क्यों नहीं आए? माता अब व्याकुल ना हुई है, प्रभु भी आपकी तरह चिंतित है, परंतु वह समुद्र के उस तट पर
सेना लेके पहुंच चुके हैं और बहुत ही शीघ्र लंका पे चढ़ाई करेंगे। पुत्र, रावण बड़ा ही मायावी है और यहाँ के राक्षस भी सभी प्रकार की माया जानते हैं। वानर सेना राक्षस सेना का सामना कैसे करेगी, वे उन्हें कैसे पराजित करेगी? माते, अब वानर सेना की चिंता ना कीजिए और राक्षस सेना के लिए मैं स्वयं भी काफी हूँ। मैं चाहूँ तो इस क्षण रावण का वध कर सकता हूँ, परंतु मेरी प्रभु की मुझे आज्ञा नहीं है। ठीक है पुत्र, ये लो मेरी चूड़ामणि, इसे अपने स्वामी को देना और उन्हें यहाँ शीघ्र आने को कहना। जो आज्ञा माता, माता मुझे आज्ञा दीजिए। यहाँ का आते वक्त मुझे बहुत ही आश्चर्य दिखाई दे रही है, क्या मैं आ सकता हूँ? अवश्य पुत्र, अवश्य। सियावर रामचंद्र की जय। पहले मेरे को जाना पड़ेगा। कुंभकरण। इसके पश्चात कुंभकरण दैत्यों में अति भयानक और पर्वत जैसा विशाल था। वे लगातार 6 महीने तक सोता था और 6 महीने तक खाता था। रणभूमि में राम को विजय देखते हुए रावण ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हे सैनिक, जाओ और मेरे भ्राता कुंभकरण को जगाओ। सैनिकों के अत्यंत प्रयासों के बाद भी कुंभकरण नहीं जागा। उसके बाद जब वो जागा तो अत्यंत क्रोध में निद्रा के आगोश से उठा और बोला कि कौन है, किसकी इतनी हिम्मत जो मुझे मेरी निद्रा से उठाया है? तो आइए इसी की एक छोटी सी झांकी हम यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। मैं रावण सबको आदेश देता हूँ कि महादैत्य कुंभकरण को जगाया जाए। तेरे सामने कौन खड़ा है? तेरा काला तेरे सामने खड़ा है। आज तेरे
मेरी मृत्यु इस राम द्वारा निश्चित है। तू तुच्छ मनुष्य और मुझ जैसे भीमकाय राक्षस का वध करेगा। युद्ध कर। इस अत्यंत भयानक संग्राम के बाद जब रावण को पता लगा कि उसका प्रिय दैत्यों का राजा कुंभकर्ण का वध हो चुका है और आधी से ज्यादा लंका की सेना को ध्वंस कर दिया गया है, राजा रावण ने सारे विचार विमर्श करके यह नतीजा निकाला कि अब उनके प्रिय मेघनाथ को उठाया जाए। मेघनाथ अत्यंत बलवान था और उसके पास बहुत सारी भयानक शक्तियां थी। तो आइए अब हम मेघनाथ वध का वो दृश्य देखेंगे कि किस प्रकार भगवान श्री राम ने मेघनाथ का वध कर दिया। संचालन ये राम करेगा। आज मेघनाथ रणभूमि में खुद आया है। भैया आज मेघनाथ से युद्ध करने की आज्ञा मुझे दीजिए। लक्ष्मण मेघनाथ बहुत मायावी है, ये तुम्हारे वश में नहीं आएगा। भैया आज उस कपी की एक न चलेगी, उसका वध करके मानूंगा। आप लक्ष्मण भैया को आज्ञा दे दीजिए, हम सब उनके साथ हैं। अगर आप सब लोगों की यही आज्ञा है तो मैं लक्ष्मण को मृत्यु के लिए भेजता हूं इसके साथ। कैसी आज्ञा भैया? बताश तू देखो तो आज लक्ष्मण फिर रणभूमि में आया है। राम तो बड़ा कायर निकला, लक्ष्मण को फिर एक बार फिर बनने के लिए भेज दिया। अरे कपटी वह देना बना युद्ध का युद्ध। अरे लक्ष्मण मेरी मारा से आप सफाई नहीं कर पाया है, पिछली बार तो तू बच गया था, लेकिन आज तो मैं तुझे सीधा यम लोक पहुंचा दूंगा। वह देना बना अपनी शक्ति दिखा, युद्ध कर।